डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई की सीजन में तीसरी जीत, पॉइंट टेबल पे टॉप पर पहुंची। आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद को 8वीं बार शिकस्त मिली। आईपीएल के 13वें सीजन के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का टारगेट, जवाब में हैदराबाद 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। वार्नर ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। मुंबई की सीजन में यह तीसरी और आईपीएल में हैदराबाद पर ओवरऑल 8वीं जीत है। मुंबई के जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स को दो दो विकेट मिले। डेविड वार्नर आईपीएल में अपनी रिकॉर्ड 45-50 लगाई। वार्नर लीग में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वार्नर के बाद सुरेश रैना और रोहित शर्मा के नाम लीग के 38-38-50 है। वहीं विराट कोहली और शिखर धवन ने अब तक 37-50 लगाई है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 5 विकेट पर 208 रन बनाए थे। शारजाह में लगातार चौथे मैच में 200 से ज्यादा रन बने। मुंबई के क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। मुंबई ने आखिरी 5 ओवर में 61 रन बनाए। डीकॉक के अलावा हार्दिक पांड्या ने 28, किरण फुलार ने नाबाद 25 और कृणाल पांड्या ने नाबाद 20 रन बनाए। हार्दिक के लिए संदीप शर्मा, सिद्धार्थ दो दो विकेट मिला। वहीं राशिद खान को 1 विकेट मिला। आईपीएल के 13वें सीजन का 17वां मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को 209 रन का टारगेट दिया। शारजाह में लगातार चौथे मैच में 200 से ज्यादा रन बने। मुंबई के क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। मुंबई ने आखिरी 5 ओवर में 61 रन बनाए। डीकॉक के अलावा हार्दिक पांड्या ने 28, किरण पोलार्ड ने 25 और कृणाल पांड्या ने नाबाद 20 रन बनाए। हैदराबाद के लिए संदीप शर्मा और सिद्धार्थ ने दो दो विकेट मिला। वहीं राशिद खान को 1 विकेट मिला। क्विंटन डीकॉक और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 78 रन की पार्टनरशिप हुई। डीकॉक ने 39 बॉल पर 67 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्हें राशिद खान ने आउट किया। इसके बाद किशन ने 23 बॉल पर 31 रन बनाए। उन्हें संदीप शर्मा ने आउट किया। मुंबई की टीम पहले 9 ओवर में सिर्फ 48 रन ही बना सकी। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव आउट भी हुए। यह इस सीजन में शारजाह में खेली गई 7 पारियों में पावर प्ले के दौरान बनाया गया सबसे कम स्कोर है। यह पहली बार है जब कोई टीम यहां पावर प्ले में 50 रन बना पाई है। रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह उनका 193वां मैच है। इसके पहले सुरेश रैना भी लीग में 193 मैच खेल चुके हैं। सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है, जिन्होंने 194 मैच खेले हैं। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान के तौर पर डेविड वार्नर का यह 50वां मैच है। वार्नर ने पिछले मैच में चोटिल हुए हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह शनदीप शर्मा को टीम में शामिल किया। वहीं खलील अहमद की जगह सिद्धार्थ के मैच खेलने का मौका मिला। मुंबई में क्विंटन डीकॉक, किरण पोलार्ड, जेम्स पीटरसन और ट्रेंट बोल्ट विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं सनराइजर हैदराबाद में कप्तान डेविड वार्नर के अलावा जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन और राशिद खान विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।